निर्माता निर्देशक और मुख्य अभिनेता प्रवीण हिंगोनिया और उनकी फिल्म नवरस कथा कोलाश की टीम इस सिनेमा के प्रचार के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़क यात्रा पर है। इस संदर्भ में आयोजित पत्र परिषद में अधिक जानकारी साझा की है। यह एक ऐसा कारनामा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसा पहली बार प्रयास किया गया है जो काफी सफल दिख रहा है। निर्माता प्रवीण हिंगोनिया और SKH पटेल ने देश भर में इस प्रमोशन यात्रा से सनसनी मचा दी है, जो अपनी आगामी हिंदी फीचर फिल्म नवरस कथा कोलाज का जोर शोर से प्रचार करे है। इस फिल्म ने 58 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। फिल्म की टीम वाघा बॉर्डर, गोल्डन टेम्पल, जालियांवाला बाग, खटकर किला, शहीद आजम भगत सिंह के गांव, लखनऊ, ताजमहल समेत पूरे देश का दौरा करी है। मैं लोगों से बात कर रहे हैं और दर्शकों से उन्हें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। निर्माता निर्देशक और अभिनेता प्रवीण हिंगोनिया, अतुल श्रीवास्तव, अलका अमीन, स्वर हिंगोनिया समेत फिल्म से जुड़ी टीम इस सिनेमा टूर पर है। फिल्म का ट्रेलर भारतीय सैनिकों को भी काफी पसंद आया है। भारत भूषण के लिए एक खास वैनिटी वैन तैयार की गई है, जिस पर फिल्म नवरस कथा कोलाज का प्रमोशन किया जा रहा है। पूरी टीम इस वैन में कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करी है, जबकि प्रवीण हिंगोनिया अपने सामाजिक विषय पर आधारित फिल्म के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जो 18 अक्टूबर 2024 को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। लेखक, निर्देशक और अभिनेता प्रवीण हिंगोनिया ने इस फिल्म में 9 चुनौतीपूर्ण किरदार निभाए हैं। इस फिल्म के कलाकारों में पठान फिल्म, शाजी चौधरी, दयानंद शेट्टी, रेवती पिल्लई, कोटा फैक्ट्री फिल्म, पंचायत फिल्म, सुनीता जी, दम लगा के हैशा फिल्म, महेश शर्मा, प्राची सिन्हा, थ्री इडियट फिल्म कलाकार अमरदीप झा और उनकी पुत्री श्रेया, जयशंकर त्रिपाठी, ईशान शंकर, स्वर हिंगोनिया के नाम शामिल है। स्वर ध्रुपद प्रोडक्शन के बैनर के तली बनी इस फिल्म का निर्माण प्रवीण हिंगोनिया के साथ SKH पटेल ने किया है, जबकि सह निर्माता अभिषेक मिश्रा है। भारत के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, उससे पहले संजीव कुमार साहब ने नया दिन नए रात में आज से 50 साल पहले 1974 में नॉर्थ में भाई थे, उसके बाद कमलेश्वर साहब ने दर्शन साल में दर्शन निभाए थे। तो मेरा छोटा सा ट्रिब्यूट है, 15 सितंबर को अमेरिका बॉस्टन ने हमें बेस्ट सोशल फिल्म का अवार्ड दिया था। मेरी कोशिश है कि जो नौ भाव है हमारे जीवन के, विवर्स रस, हास्य रस, रॉ रस, श्रृंगार रस, इन रसों के माध्यम से नौ सामाजिक कुरीतियों को मैं उजागर करूं और उन नौ सामाजिक कुरीतियों का अंत करूं। जैसे कि विवर्स रस, रेप मेरी नज़र में एक विवर्स घटना है, रेप नहीं होना चाहिए। तो विवर्स रस के माध्यम से मैंने रेप को उजागर करने की कोशिश की है और उन दरिंदों की सोच से परिवर्तन लाने के लिए उन दरिद्रों के मूल से ही एक मोनोलॉग लिखा है, जो कि अपने आप में एक अनोखा प्रयास है। रेप करने के बाद रेप वाले की मानसिकता वो किस तरह से दर्शा रहा है, और मेरी उम्मीद है कि मतलब ये देख के कुछ 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 दरिद्रों की, नौ दरिद्रों की भी मानसिकता में परिवर्तन आएगा, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा फिल्म बनाना सार्थक हुआ। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ दे The boarding and residential school facilities, library, laboratories, computer room, digital classrooms, music, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari Outer Ring Road, Post Vesa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999. And 7276055999. Central Provincial School and Junior College.